हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 6th एंड 7th ऑफ अक्टूबर 2022। दोनों दिनों का न्यूज़पेपर एनालिसिस हम देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है विद रेफरेंस टू ओपेक प्लस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ओपेक प्लस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ एन अलायंस बिटवीन ओपेक एंड नॉन ओपेक कंट्रीज। दूसरा कह रहा है द नॉन ओपेक कंट्रीज विच एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल आर टर्म्ड एज ओपेक प्लस कंट्रीज। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द ओपेक प्लस कंट्रीज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो वन एंड टू, टू एंड थ्री। अच्छा सवाल है, आई होप आप अटेम्प्ट करेंगे अपनी तरफ से। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी वन एंड टू। सऊदी अरेबिया इज़ नॉट ओपेक प्लस, इट इज़ ओपेक मेंबर, है ना, ओपेक प्लस नहीं है। एंड ओपेक प्लस बेसिकली कौन सा होगा, वो कंट्रीज विच आर एक्सपोर्टिंग क्रूड ऑयल बट दे आर नॉन ओपेक मेंबर्स, है ना, दे आर नॉन ओपेक मेंबर्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला लिखा है इट इज़ द वे बाय विच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर्ड। सेकंड इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तीसरा कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट कैन रिटर्न द रिकमेंडेशंस फॉर रिकंसिडरेशन बाय द कोलिजियम। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है इसमें से नॉट करेक्ट है। तो द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट इज बी, ऑब्वियसली इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 356 में कोलिजियम मेंशन्ड नहीं है। ये 356 आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी से निर्धारित है, ठीक है ना। तीसरा सवाल है सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भारत और दूसरी कौन सी कंट्री के बीच में सप्तकोशी डैम प्रोजेक्ट जो है वो लागू होगा, ठीक है ना। तो सप्तकोशी डैम प्रोजेक्ट आपको बताना है कि भारत और दूसरी कौन सी कंट्री है जो कि इन्वॉल्व है। ऑप्शंस आपके सामने हैं म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी नेपाल। नेपाल इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थ्री क्वेश्चंस, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव हेड विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट, ठीक है ना। तो न्यूज एनालिसिस सबसे पहले फ्रंट पेज की बड़ी खबर जो है वो एनी अर्नॉक्स विंस द लिटरेचर नोबेल। तो एनी अर्नॉक्स को मिला है लिटरेचर का नोबेल प्राइज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ऑथर हैं एनी अर्नॉक्स एंड शी इज़ नोन फॉर हर डिसेप्टिवली सिंपल नॉवेल्स ड्राइंग ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसिस ऑफ क्लास एंड जेंडर। तो शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर इन फ्रांस एंड शी ड्रॉज हर पर्सनल एक्सपीरियंसिस बेस्ड अपॉन क्लास एंड जेंडर एंड she has won the Nobel Prize for Literature for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory. मतलब जितने अच्छे तरीके से उन्होंने, जितने courageous तरीके से उन्होंने अपने जितने भी personal experiences उनको पिरोया है words में, for that courage and for that deceptivity and that simplicity. Deceptive होने के साथ साथ इनके novels जो हैं काफ़ी simple रहते हैं, that is the reason why she has won this award. And नाम याद रखिएगा एनी अर्नॉक्स। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक, शी इज़ वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ ऑटो फिक्शन जेनर ऑफ नॉवेल राइटिंग। तो जब हम बोलते हैं ना जैसे कि ऑटो फिक्शन क्या होता है, लेट मी टेल यू, ऑटो फिक्शन कंबाइंस टू म्यूचुअली इनकंसिस्टेंट नैरेटिव फॉर्म्स। नैरेटिव के दो अलग अलग तरीके होते हैं, एक तो ऑटोबायोग्राफी होती है और दूसरा फिक्शन होता है। इन्होंने दोनों को जोड़ा हुआ है ना। तो शी इज़ द डेवलपर ऑफ दिस जॉनरे जिसको हम बोलते हैं ऑटो फिक्शन जॉनरे। तो इसका इनका कहना चाहिए कि ये शी इज़ द फाउंडर ऑफ दैट जॉनरे। एंड ऑटोबायोग्राफी को इन्होंने किससे जोड़ दिया है, आपके फिक्शन वाले पार्ट से। सो शी इज़ एन ऑथर हु हैज़ कम्बाइंड दीज टू म्यूचुअली इनकन्सिस्टेंट नैरेटिव फॉर्म्स। तो इन दोनों नैरेटिव फॉर्म्स को जोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है एंड शी हैज़ डन दैट, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑटो फिक्शन, आप ये भी एक टर्म याद रखेगा। इसी के साथ कल की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे आपको बतानी है। जो कल का फ्रंट पेज था आप देखेंगे वहाँ पे आपको न्यूज़ मिलेगी नोबेल फॉर वर्क ऑन क्लिक केमिस्ट्री एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो केमिस्ट्री के जो नोबेल प्राइजेस हैं उनके नाम आपको बता दूँ, आप लिख भी लीजिए, कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल,
के बेरी शार्पलेस, तो ये तीन नाम याद रखेगा, कैरोलिन आर बर्टोजी, मार्टिन मेल्डेल एंड के बेरी शार्पलेस। और के बेरी शार्पलेस इसलिए भी फेमस हो जाएंगे इसके बाद क्योंकि ही इज़ दी पर्सन हु हैज़ वॉन द अवार्ड फॉर द सेकेंड टाइम, नोबेल प्राइज़ उनको दूसरी बार मिल रहा है के बेरी शार्पलेस को। तो ये भी एक सवाल आप लोग लिख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको दो बार नोबेल प्राइज़ मिला है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर भी दे देता हूँ। देखो लिखा है मिस्टर शार्पलेस जॉइंस एन एलीट बैंड ऑफ साइंटिस्ट हु हैव वॉन द टू नोबेल प्राइजेस। तो मिस्टर शार्पलेस को दूसरी बार नोबेल प्राइज मिला है। द अदर इंडिविजुअल्स आर जॉन बारडीन, याद रखिएगा जॉन बारडीन, ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स ट्वाइस, है ना, जॉन बारडीन। मैरी क्यूरी हु वॉन द फिजिक्स इन केमिस्ट्री नोबेल प्राइज, मैरी क्यूरी, जॉन बारडीन, मैरी क्यूरी। लाइनस पॉलिंग वॉन द केमिस्ट्री एंड नोबेल प्राइज ऑफ पीस, पीस एंड केमिस्ट्री का लाइनस पॉलिंग को मिला। एंड फ्रेडरिक सेंगर हु वॉन केमिस्ट्री नोबेल प्राइज ट्वाइस। तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं, मिस्टर शार्पलेस, देन जॉन बारडीन, मैरी क्यूरी, लाइनस पॉलिंग एंड फ्रेडरिक सांगर, ठीक है ना, फ्रेडरिक सांगेर, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर दीज नेम। जो ये नाम लिख लो अभी भी, अभी लिख लो, याद रखना बाद में। अब जो कल का नोबेल प्राइज मैंने तीन नाम बताया वो क्लिक केमिस्ट्री के ऊपर था, तो लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस क्लिक केमिस्ट्रीज, क्या होता है क्लिक केमिस्ट्री। तो जैसे आपने आप एयरप्लेन में बैठे होंगे, आपने देखा होगा कि जब आप सीट बेल्ट बांधते हैं तो एक साउंड आता है, क्लिक करके साउंड आता है ना, जब ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली फिक्स होती है या कहीं पर भी, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है एयरोप्लेन का, आप कहीं पर भी ऐसी दो चीज़ें जो बिल्कुल एकदम एक दूसरे के लिए परफेक्टली बनी होती है तो एक दूसरे के साथ ऐसे जब वो जुड़ती है तो क्लिक करके साउंड आता है। तो क्लिक केमिस्ट्री जो बैरी शार्पलेस है, ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। सो द नेम क्लिक हैज बीन टेकन फ्रॉम द क्लिक साउंड दैट एयरलाइन सीट बेल्ट मेक वेन दे आर फास्टेंड, ठीक है ना। तो ये नाम वहीं से लिया गया है। द आइडिया इज दैट वाइल ट्राइंग टू प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर कंपाउंड ऑन अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, वन मस्ट लुक फॉर स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स दैट इजिली रिएक्ट विद द अदर। तो बैरी शार्प मोर का ये कहना है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी सिस्टम में, तो आप पहले उन मॉलिक्यूल्स को देखो जो इजीली रिएक्ट कर जाएं, यानी कि जो इजीली क्लिक कर जाएं। अपन बोलते हैं ना कि ये यार दोनों लोग क्लिक कर गए, दोनों की केमिस्ट्री क्लिक कर रही है, मतलब क्या होता है, विच आर मेड फॉर ईच अदर, है ना। तो इन अदर वर्ड साइंटिस्ट हैव टू लुक फॉर मॉलिक्यूल्स दैट इजीली फिट इन टू ईच अदर और क्लिक विद ईच अदर, इट मेक द रिजल्टेंट केमिकल रिएक्शन मोर एफिशियंट। तो बैरी शार्प मोर ने कहा कि यू हैव टू लुक फॉर द फॉर दोज मॉलिक्यूल्स दैट इजिली फिट इन टू ईच अदर और विच क्लिक विद ईच अदर एंड देयर फॉर द रिजल्टेंट केमिकल रिएक्शन विल बी मच मोर एफिशियंट, ठीक है ना। एंड द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल शुड बी इन मेड फॉर ईच अदर कंडीशन, अगर मेड फॉर ईच अदर है देन दिस द रिएक्शन विल बी इरिवर्सिबल एंड 100% एफिशियंसी विल बी अचीव। तो ये उन्होंने प्रूव करके भी दिखाया कि द रिएक्शन विल बी इरिवर्सिबल एंड 100% ऑफ एफिशियंसी विल बी अचीव, ठीक है ना। एंड दिस इज द थिंग विच वॉज देयर इन द क्लिक केमिस्ट्री पार्ट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा एक और न्यूज़ है कल की, मैं आपको बता दूं कि ECLGS स्कीम, ECLGS क्या है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्रेडिट लिमिट जो है वो रेज कर दिया एयरलाइंस के लिए। देखो कैसे इंक्रीज करिए, मैं आपको पहले वो बता दूँ। देखो पहले क्या था कि एयरलाइंस का जितना लोन है या जितना डेट है, जितना क्रेडिट है आउटस्टैंडिंग, उसका केवल 50% ही ले सकती थी एयरलाइंस। पहले उनको लिमिट दिए गए थे कि आपके टोटल जो क्रेडिट है आपके ऊपर उसका 50% ही आप ले पाओगे ऑफ दैट क्रेडिट एज अ लोन, ठीक है ना, अंडर दिस ECLGS स्कीम। लेकिन अब उन्होंने इसको बढ़ा करके 100% कर दिया कि आप अपने डेट का 100% आउटस्टैंडिंग ले सकते हो, लेकिन ये मैक्सिमम जो ओवरऑल जो रहेगा वो केवल 1500 करोड़ तक का ही लोन आपको दिया जाएगा। तो 1500 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा एंड दैट विल बी द थिंग, ठीक है ना। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। द स्कीम इंट्रोड्यूस्ड फॉर मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ COVID-19 पैंडेमिक। ये स्टार्ट की गई थी मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए जब COVID-19 का पैंडेमिक आया था उस समय, है ना। एंड इट हैज़ कवर्ड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस नाउ, बट एयरलाइंस जो अफेक्टेड है उनको भी अब इसमें इंक्लूड किया गया। और पहले इसमें केवल 50% की लिमिट थी कि अपने क्रेडिट का 50% आप ले सकते हैं, बट नाउ दे कैन टेक 100%, बट द ओवरऑल कॉर्पस
विल बी, मतलब ओवरऑल जो लोन आप ले सकते हो 1500 करोड़ तक का ही ले सकते हो, मतलब उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल एज अगर रिगार्डिंग दैट, है ना। सो दैट इज़ द थिंग। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथनिंग द CSR फ्रेमवर्क इज़ ए प्रॉफिटेबल आइडिया। अब यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने बात की है CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब देखो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के अंतर्गत इसका मेंशन आएगा। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉरपोरेट यानी जो कंपनी वाले हैं या कॉरपोरेट वाले लोग होते हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं रिगार्डिंग द सोशल बेनिफिट, सोसाइटी के लिए जो उनको गिव बैक करने वाली चीज है या सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो काम करते हैं दैट कम्स अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट 2013 आपको याद रखना है, ठीक है ना। और पिछले 3 साल के प्रॉफिट का 2% उनको इन्वेस्ट करना रहता है, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का 2% जो उनका प्रॉफिट है 2% उसका आउट ऑफ दैट प्रॉफिट उनको देना रहता है टुवर्ड दैट, है ना। और हर साल ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखी गई है कि रिसेंटली जो स्पेंडिंग है वो एक तो कम हुई है, द स्पेंडिंग हैज़ डिक्रीज, प्लस मेनी ऑफ द कंपनीज आर इनफैक्ट 2900 अप्रॉक्स कंपनीज आर देयर जो कि पे ही नहीं कर रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड स्पेंडिंग हैज़ डिक्रीज अलॉट। एंड जब इसका सेक्टोरल एनालिसिस किया गया तो सेक्टोरल एनालिसिस में ये आया कि जो ज़्यादातर मतलब जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आपका एजुकेशन में हो रहा है अगर आप देखें तो 37% के आसपास, हेल्थ एंड सैनिटेशन में हो रहा है 29% के आसपास, एंड एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो हो रहा है वो केवल 9% हो रहा है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड ऑल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा एजुकेशन के लिए 37%, सैनिटेशन के लिए 29 और एनवायरनमेंट के लिए केवल 9% हुआ है, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें देखी गई। इसके अलावा एक और एनालिसिस देखने के लिए आया कि जो मतलब कई बार क्या कंप कर रही हैं कंपनीज़ खुद के ही ट्रस्ट बना ले रही हैं, खुद के ही ट्रस्ट बना लेती हैं और खुद के ही अलग से वेंचर्स बना लेती हैं और फिर उन्हीं कंपनीज़ और उन्हीं ट्रस्ट्स में वो मतलब पैसे डाल देते हैं, अपने वाला अपने घर का पैसा घर में ही रह रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑथर ने बात की कि देखो क्या है कि द फर्स्ट प्रोविजन जो है सेक्शन 135(5) का वो ये कहते हैं कंपनी शुड प्रेफरेंस टू लोकल एरियाज और एरियाज अराउंड विच इट ऑपरेट्स, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल लॉजिकल चीज है। अब दिक्कत क्या हो रही है कि 54% ऑफ द CSR कंपनीज दे आर कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गुजरात, है ना। और इसीलिए इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा CSR स्पेंडिंग आती है और वहीं पे जो पॉपुलस स्टेट्स उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के हैं वो उनको बहुत कम पैसा मिलता है। तो एक ये भी इशू है कि लोकल एरिया का ठीक है अच्छी चीज़ है वो लॉजिकल भी है, लेकिन इस कारण से दिक्कत क्या रही कि पूरा जो आपका CSR है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कंसंट्रेट होता जा रहा है एंड बहुत सारे जो डिजर्विंग ऐसे रीजन्स हैं, जो अंडर सर्व्ड रीजन्स हैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हाईलाइट इन्होंने की है एंड इसको दूर करने की ज़रूरत भी है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा जो है कि एक मेजर चैलेंज जो आज के टाइम में है वो है इन्वायरमेंटल चैलेंज। और जैसा कि हमने आपको सेक्टोरल बताया कि इन्वायरमेंट के ऊपर केवल 9% की ही सेक्टोरल स्पेंडिंग हो रही है CSR की, तो दैट इज़ अगेन अ इशू, है ना। और इनको भी हमको दूर करना है कि किस तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमको करें, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए अगर आप बन चाहते हो तो CSR काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। एक और बहुत बड़ा फॉल्ट है इस डिज़ाइन में, वो फॉल्ट ये है कि क्या होता है जैसे अगर किसी कंपनी ने 2% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, सपोज करो द कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड मोर देन 2% इन अ CSR, तो उनको एक प्रावधान ये दिया गया कि अगले 3 साल तक जितना उन्होंने ज़्यादा किया है उसको वो माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक टेक्निकल फॉल्ट इसलिए क्योंकि जो CSR कहता है वो कहता है कि भाई मिनिमम 2% आपको करना है, वो ये नहीं बोल रहा कि आपको 2% ही करना है, 2% से ज़्यादा आप करेंगे तो आप नेक्स्ट ईयर उसको माइनस करवा रहे हो। मतलब CSR तो भाई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर आपने 2% से ज्यादा कर दिया तो आप नेक्स्ट ईयर उसको माइनस करवा ले रहे हो, है ना। तो दैट इज द मेजर इशू विच द ऑथर हाइलाइट्स कि ये गलत एक चीज हो रही है कि लोग उसको नेक्स्ट ईयर में माइनस करा ले रहे हैं एंड दैट शुड नॉट हैपन बिकॉज द कंडीशन इज दैट मिनिमम 2% हैज टू बी इन्वेस्टेड इन द CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट इज द थिंग विच इज देयर, है ना।
एंड इसके अलावा एक और मेजर फॉल्ट जो है सीएसआर वो ये है कि ये क्वांटिटी पे ज़्यादा विश्वास रख रहा है रादर देन क्वालिटी। क्वांटिटी पे ज़्यादा मतलब कि देखो ये देखते हैं कि 2% हुआ कि नहीं, लेकिन उस 2% का रिजल्ट क्या निकला, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट, व्हाट इज़ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने सीएसआर किया है तो उसका कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी तो निकलना चाहिए ना, बट व्हाट इज़ दैट। सो दैट इज़ द मेजर इशू, ये भी एक बड़ा इशू है कि क्वालिटेटिव ना होकर के क्वांटिटेटिव रह गया सीएसआर, एंड दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। इसलिए ऑथर ने सजेशन किया कि क्या करने की जरूरत है, देयर इज अ नीड टू क्यूरेट अ नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म व्हिच शुड बी सेंट्रलाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड ऑल द स्टेट्स कुड लिस्ट देयर पोटेंशियल सीएसआर एडमिशनेबल प्रोजेक्ट्स। सारे स्टेट्स अपने जो भी सीएसआर वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट करें ऐसे पोर्टल में आकर के, और जब वो मतलब हाईलाइट करें उसके बाद असेस करके सीएसआर फंड्स उन्हीं के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए हैंडओवर किया जाए, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे इंडिया में इन्वेस्ट इंडिया का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट रिपोजिटरी भी है, वो एक गाइडलाइन की तरह सर्व कर सकता है, गाइड की तरह सर्व कर सकता है फॉर सच एफर्ट्स, है ना। इसके अलावा कंपनीज नीड टू प्रायोरिटाइज इन्वायरमेंट रिस्टोरेशन, उनको देखना पड़ेगा कंपनीज का सबसे अधिक इम्पैक्ट कंपनीज इन्वायरमेंट पर ही डाल रही हैं, तो उनको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि उनका जो फोकस है वो इन्वायरमेंट की तरफ रहे, और इन्वायरमेंट पर ना केवल वो फोकस करे बल्कि 25% एटलीस्ट जो सीएसआर रहे वो उनका इन्वायरमेंट की तरफ जाए, ठीक है ना। That should be the thing. And recommendation by the high level committee in 2018 should be incorporated in the current CSR framework to improve the existing monitoring and evaluation regime. तो अब हमको evaluation और monitoring regime को भी देखना पड़ेगा कि भाई quality भी make sure करें कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि fund बस लग रहे हैं और उसका कुछ output नहीं निकल रहा, तो qualitative change कितना हुआ है life में लोगों की वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। और जो हमारी interstate disparity है उसको ख़त्म करने के लिए तो हमने बता दी ऑलरेडी कि भैया पूरी repository बनाओ, हर states के जो जो projects हैं उनको list करो और फिर एक एक करके उनको लगाओ, तो ये जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी आएगी उसमें सीएसआर में वो भी दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब इस बार का जो नोबेल प्राइज फिजिक्स का मिला है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्वांटम फिजिक्स के ऊपर है, क्वांटम कंप्यूटेशन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम नेटवर्क, इन सब से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिस्कवरी है। एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं एंड जॉन एफ क्लाउजर यूएस के एंड एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। कंसेप्ट आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में बताया था कि क्वांटम इंटेंगलमेंट का कंसेप्ट है। क्वांटम इंटेंगलमेंट मतलब कि दो पार्टिकल्स जो हैं वो अपने आप में इतने ज़्यादा इंटेंगल्ड है कि एक की प्रॉपर्टी दूसरे की प्रॉपर्टी को इफेक्ट करती है, एक में अगर आप चेंज करेंगे तो दूसरे में चेंज होगा, और एक की प्रॉपर्टी अगर आप समझ गए तो दूसरे की प्रॉपर्टी आप समझ जाओगे। दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है पार्टिकल्स एक दूसरे के, इसीलिए इसको क्वांटम इंटेंगलमेंट बोलते हैं। फोटॉन्स में उन्होंने ये चीज़ करके दिखाई कि ये किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बॉल और ब्लैक बॉल का एग्जांपल दिया था, अगर आपके पास दो ही बॉल है, एक वाइट बॉल है एक ब्लैक बॉल है, आपने दोनों को एक बॉक्स में भर दिया और आपने एक को यूएसए भेजा और एक को आपने फ्रांस में भेजा, अब आपने फ्रांस वाली अगर खोली वो वाइट निकली तो आपको पता चल जाएगा ना यूएसए वाली कौन सी है, बिना खोले आपको उसकी प्रॉपर्टी उसकी कलर सब कुछ पता चल जाएंगे, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग, तो इसका ही यूज उन्होंने किया है और इसी क्वांटम एंटेंगलमेंट का यूज़ करके एक नई चीज़ बनाई गई है, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। क्वांटम टेलीपोर्टेशन मतलब कि एक एरिया से दूसरे एरिया में बिना फिजिकल ट्रांसफ़र किए क्वांटम स्टेट में आप उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, क्वांटम शेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट देर इज़ नो फिजिकल मूवमेंट, मतलब पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी के बीच में कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा, बट देयर विल बी शेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द क्वांटम स्टेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो इसको बोलते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन, ठीक है ना। अब जो हमने ब्लैक और बॉल और व्हाइट बॉल का एग्जांपल दिया था ना, वो श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट भी ऐसा ही कुछ है कि मतलब एक बॉक्स के अंदर आपने कैट को डाल दिया, अब अंटिल द बॉक्स इज ओपन यू विल नॉट नो वेदर द बॉक्स इज वेदर द कैट इज अलाइव और डेड, है ना। जिसने भी शेल्डन कूपर का बिग बैंग थ्योरी देखा होगा उन सबको जरूर पता रहा होगा, है ना, विदाउट दिस ऑल्सो, जिन्होंने नहीं देखा है उनको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे श्रोडिंगर बात कर रहा है हिडन वेरिएबल्स की, मतलब क्या कि क्या हिडन वेरिएबल्स उसको इफेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो यहाँ पे इसको भी जॉन क्लॉजर और एलन एस्पेक्ट ने जो काम किया है वो इसी पे काम किया है। उन्होंने ये कहा कि जो इंटेंगलमेंट है इट इज़ इंट्रेंसिक टू द क्वांटम मैकेनिक्स एंड देर आर नो लोकल हिडन वेरिएबल्स विच डिक्टेट द कोरिलेशन। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी जॉन क्लॉजर और एलन एस्पेक्ट की, उन्होंने ये कहा कि भाई कोई हिडन वेरिएबल डिक्टेट नहीं करता है इस कोरिलेशन को, कौन से कोरिलेशन को, क्वांटम इंटेंगलमेंट को। तो ये डिस्कवरी काफी इंपॉर्टेंट है और दैट इज द थिंग व्हिच इज देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। इज इट
टाइम फॉर द गिग इकोनॉमी। अब देखो नाम वैसे गिग इकोनॉमी का है लेकिन यहाँ पे बात चलेगी मून लाइटिंग की। What is moonlighting and how does it affect the companies? तो moonlighting का मतलब क्या होता है कि employees working for remuneration with entities other than their employers। मतलब कि जैसे मान लो एक विप्रो का employee है तो विप्रो में काम कर रहा है लेकिन वो शाम को टाइम निकाल करके चार घंटे इन्फोसिस को भी दे रहा है या चार घंटे वो किसी सैप को भी दे कॉग्निजेंट को भी दे रहा है ना। तो इस तरीके से ये जो है ये मूनलाइटिंग कहलाती है। मतलब एम्प्लॉइज आर वर्किंग फॉर रिम्यूनरेशन विद एंटिटीज विच आर अदर देन देयर ओन एम्प्लॉयर्स, ठीक है ना। अब जो अजीम प्रेम जी है उन्होंने ये कहा कि भैया ये जो चीज़ है दिस इज अ चीटिंग एंड इट शुड नॉट हैपन एंड मूनलाइटिंग शुड नॉट हैपन, ठीक है ना। दिस प्लेन एंड सिंपल स्विगी ने वहीं पर अनाउंस किया कि मूनलाइटिंग पॉलिसी अनाउंस कर दी टू अलाउ द employees to pursue their passion for economic interest alongside their full-time employment। तो स्विगी ने वहीं पे अनाउंस किया कि भाई ठीक है आप अपना पैशन फॉलो करो, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट आप किसी में भी करो लेकिन आपका पैशन है तो आप कर सकते हो, एंड दैट शुड बी द केस क्योंकि उनका टाइम पीरियड है। अब ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कई बार आई है लेकिन हालांकि अभी इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो मून लाइटिंग को डिफाइन करता। देर इज नो पर्टिकुलर लॉ दैट डिफाइंस मून लाइटिंग इन इंडिया, याद रखिएगा। There is no law with that defined। हाँ, double employment को ज़रूर कई जगहों पे किया गया, जैसे Factories Act जो है उसका section 60 वो double employment को restrict करता है लेकिन वो केवल workers के ऊपर लागू होता है, that is the first thing। Supreme Court ने हालांकि एक केस में मतलब ऐसा moonlighting directly तो specify नहीं किया लेकिन उन्होंने दूसरे तरीके से बोला कि भाई जो employer है after the office hours, employer जो है office hours के बाद own नहीं करता है किसी employee को। The employer does not own the person After the office hours, मतलब कि ऑफिस आर के बाद आप उसको ओन नहीं करते, मतलब कि वो अपने टाइम में ही इज प्लीज टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू इन हिज आफ्टर वर्किंग आवर्स, ठीक है ना। तो बियॉन्ड वर्किंग आवर्स द एम्प्लॉय इज फ्री टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स, देयर फोर यू कैन नॉट ओन हिम इन दैट टाइम, ठीक है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एस्पेक्ट है। मून लाइटिंग आई होप आपका एज अ कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये तो आपको पता है लाइट कॉम्बैट जो हमारे यहाँ लाइट कॉम्बैट इंडिजिनसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आया है प्रचंड, याद रखेगा इंडिजिनसली डेवलप्ड है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है प्रचंड। आई होप यू विल रिमेंबर दिस नेम। एंड इट इज द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड दैट कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर एंड इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ फायरिंग अ रेंज ऑफ एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू एयर मिसाइल। तो ये एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू एयर मिसाइल्स दोनों छोड़ सकता है और इट इज द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड दैट कैन टेक ऑफ एंड लैंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स। तो काफी बड़ी चीज है जो कि है इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। एंड एलसीएच प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था वो 1999 की कारगिल वॉर के बाद इसका आप ओरिजिन ट्रेस कर सकते हो, जब आर्म फोर्सेस को लगा कि यार ऐसी हमको चीज की जरूरत है जो हमको इस तरीके से हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में हमको मदद करेगी। एंड तब 2006 में जा करके अक्टूबर 2006 में गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसको हम बोलते हैं, है ना। एंड हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने LCH के प्रोटोटाइप बनाया, टेस्ट फायर किया, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी काम किया गया था, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगर हम बात करें तो पावर्ड बाय ट्विन शक्ति इंजन्स विच इज़ द कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ द हाल एंड फ्रांस की एक कंपनी है साफरान कंपनी, सैफरन या साफरान आप जब भी बोले, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड LCH इज़ अ 5.8 टन क्लास कॉम्बैट हेलीकॉप्टर विद पोटेंट ग्राउंड अटैक एंड एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटी। तो इसकी पोटेंट ग्राउंड अटैक भी है एंड एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी इसके पास है। स्पीड इसमें 288 किलोमीटर पर आवर तक की जा सकती है एंड कॉम्बैट रेडियस 500 किलोमीटर का है। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और इसका जो इंजन है शक्ति इंजन मैंने आपको बताया कोलैबोरेशन है हाल का एंड फ्रांस की साफरान कंपनी का। तो दैट इज द थिंग विच यू विल रिमेंबर। आगे अगर बात करें जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन ऑर्डर्स हैव अक्वायर्ड फोर्स ऑफ लॉ। अब कई लोगों ने क्या हुआ था अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के अंतर्गत, तो उसमें उनके अगेंस्ट काफ़ी उन्होंने कहा था कि ये गलत थी और इसने आर्टिकल 370 को डायल्यूट किया, ये उसको नल एंड वॉइड करने के लिए कहा गया। बट नाउ द गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री एज वेल एज द इलेक्शन कमीशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अपना रिस्पॉन्स फाइल किया है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली है, लिख लेना, डिलिमिटेशन ऑर्डर री एजिटेट नहीं किया जा सकता कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा। क्यों? क्योंकि इट हैज नाउ बीन पब्लिश्ड इन द गैजेट। गैजेट में पब्लिश होने के बाद डिलिमिटेशन का कोई भी ऑर्डर अगर गैजेट में पब्लिश हो गया फिर उसको दोबारा चैलेंज नहीं किया जाता। आई विल टेल यू द एग्जैक्ट ऑर्डर, यहां पर देखो लिखा है, देखो लेट मी टेल यू, राइट डाउन दिस थिंग इन योर नोट्स एज वेल। इट हैज बीन आर्ग्यूड सेक्शन
10 सबसेक्शन 2 ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट 2002, डिलिमिटेशन एक्ट 2002 का सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कहता है इट बार्स द चैलेंज टू द ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन वंस दे आर पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया. वंस द ऑर्डर इज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया यू कैन नॉट चैलेंज दैम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिलिमिटेशन कमीशन के पास एक पावर है, तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट में कि आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना. एंड इसके अलावा अंडर आर्टिकल 329A, आर्टिकल 329A के तहत देर इज़ अ बार ऑन जुडिशियल इंटरफेरेंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज. कंस्टिट्यूएंसीज के डिलिमिटेशन से रिलेटेड किसी भी लॉ के ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगाया जा सकता है, इस तरीके से ये आर्टिकल 329A का कहना है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है. डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये तो आपको पता ही होगा. एंड डिलिमिटेशन कमीशन में एक पैनल बनाया जाता है जिसमें कि मुझे लगता है कि एक रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो रहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन रहते हैं. एंड इसमें फिर मेंबर इलेक्शन कमीशन से भी लाते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन के भी मेंबर्स आते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है ना. और सेंटर डिराइव्ड जो पावर सेंटर के पास है डिलिमिटेशन कमीशन का स्कोप, टेन्योर और ये सब फिक्स करने का, वो सेंटर को सेक्शन 3 ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट 2002 से मिलती है जो कि एक स्पेशल लेजिस्लेशन है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी. अब आरएसएस के चीफ जो है वो कह रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल करो, वहीं पे सेंटर ने जो एफिडेविट डाला है कोर्ट में कुछ और कह रहा है. सेंटर ने एफिडेविट कोर्ट में ये डाला है कि भैया हम किसी व्यक्ति को ये नहीं बता सकते कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ मतलब बच्चे पैदा करो. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट का कहना है कि जो TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कि एक महिला अपनी रिप्रोड्यूसिंग एज के दौरान कितने बच्चे मैक्सिमम पैदा कर सकती है, तो वो उसकी टोटल फर्टिलिटी रेट है, ठीक है ना. तो ये 2001 से 2011 का अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो दिस इज द फर्स्ट डिकेड इन द लास्ट 100 ईयर्स विच हैज नॉट ओनली एडेड लेसर पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन बट इट हैज ऑल्सो रजिस्टर्ड द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन द डिकेडल ग्रोथ फ्रॉम 21.54% टू 17.64%. तो अगर आप डिकेडल ग्रोथ देखें तो 91 से 2001 के बीच में डिकेडल ग्रोथ थी 21.54%. वहीं पे अगर 2001 से 2011 की डिकेडल ग्रोथ देखें तो 17.64% थी. तो शार्पेस्ट डिक्लाइन भी पहली बार दिखा और पहला ये डिकेड था जिसमें जो पॉपुलेशन है एडिशन जो हुआ है वो कम हुआ है. और TFR हमारा 2000 की जब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी तब 3.2 था और अभी हमारा 2.2 चल रहा है. तो मतलब बिल्कुल अब रिप्लेसमेंट लेवल के आसपास ही आ गया है, ठीक है ना. सो दैट इज अगेन अ थिंग. कैन रीड एंड टॉक व्योम मित्राज स्किल गेट अ लिफ्ट ऑफ विद डिजिटल ग्रे मैटर. तो यहाँ व्योम मित्र याद रखेगा एक ह्यूमनॉइड है विच इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इसरो ने डेवलप किया है व्योम मित्र को एंड इट विल फ्लाई ऑन बोर्ड द अनमैंड टेस्ट मिशन विच विल बी गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन रहेगा, उसमें यह टेस्ट मिशन के रूप में जाएगा. एंड इसरो ने इसको बनाया है एंड दिस विल बी देयर, है ना. तो व्योम मित्र याद रखेगा एक हाफ ही है, मतलब ये क्योंकि इसका नीचे का पोर्शन नहीं बनाया गया. It is half humanoid, which is lacking the lower limb. आपको याद रखना है. It's a female robot. व्योममित्र is a female robot. ये भी आप याद रखेगा. That is a thing which is important. And इसका जो जो फिंगर्स हैं इसकी वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थुम्बा ने डेवलप किए हैं. तो ये भी आप चीज याद रख सकते हैं. That is a thing which is important. I hope you got clarity. अब श्रीलंका के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन मतलब वोटिंग हो रही थी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इस चीज़ को लेकर के कि जो श्रीलंका है उसने गलत किया है. श्रीलंका मतलब श्रीलंका ने श्रीलंका में क्या ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हुआ है, ये सारी चीज़ें. तो दैट थिंग हैपन्ड एंड श्रीलंका में जब ये वोटिंग हुई तो मतलब ये वोटिंग जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हुई तो इंडिया ने उससे एब्सटेन करना उचित समझा और इंडिया ने वोटिंग नहीं की, ठीक है ना. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता रहनी चाहिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है क्या. तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 47 मेंबर्स हैं, याद रखिएगा. इट्स अ 47 मेंबर बॉडी, है ना, और जो कि रेजोल्यूशन लेकर के आई है. और UNHRC जो याद रखिएगा एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस की ही बॉडी है. क्रिएट इसको किया गया था जनरल असेंबली द्वारा 2006 में इसको क्रिएट किया गया था बाय द जनरल असेंबली. एंड इसने रिप्लेस किया था पहले एक बॉडी थी यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, CHR नाम की एक बॉडी कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स एक करके बॉडी थी, उसको इसने रिप्लेस किया था. हेडक्वार्टर इसका जनीवा स्विट्जरलैंड में है. 47 इसमें मेंबर्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया. एंड इक्विटेबल जियोग्राफिकल रीजन से मेंबर लिए जाते हैं जैसे अफ्रीका,
अफ्रीका से 13 मेंबर लिए गए हैं, वेस्टर्न यूरोपियन से 7 लिए हैं, लैटिन अमेरिका कैरिबियन से 8 मेंबर्स हैं, ईस्टर्न यूरोपियन से 6 मेंबर्स हैं एंड इनका टेन्योर जो रहता है वो 3 साल का रहता है। इंडिया को रिसेंटली 2019 से 22 के लिए लिया गया था 3 साल के लिए, ठीक है ना। 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट हुआ था UNHRC का। सो दैट इज़ द थिंग फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।